अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की न्यू वीडियो का आगाज़ यार, हमारी इस मुर्गी ने अंडों पे कम बैठी है, ज़्यादा उठी है ना। इसके साथ एक सीन करना पड़ेगा, वो सीन ये है कि इसको बंद कर देना चाहिए। और यार कल बात ही बात हमारे पास एक नई मुर्गी आई है, देखें आप समझ जाएंगे। क्रोक वाली मुर्गी, क्रोक वाली नहीं, क्रोक वाली भी आपको दिखाता हूँ, वो सामने घूम रही, वो देखें ब्लैक वाली, ये उससे अलग है। इसको हम अभी इसके लिए नया मुर्गा लाएंगे, तो इससे इंशाल्लाह बच्चे करवाएंगे। वो फिलहाल अभी बच्चों वाली मुझे है कहाँ, ये देखें फ्रोक कैसी हुई, एक बच्चों वाली तो सही है, दूसरी कहाँ गई, दूसरी ये दो बच्चों के साथ। अंडा मंडा किसी ने दिया, उसका अंडा चेक कर। ओके ओके ओके, अंडा आया हुआ है भाई, एक आया हुआ है, एक नहीं दो आए हुए हैं, टाइम से आए हैं दोनों, तो टाइम से दोनों को उठाते हैं। ओके, एक तो इस पिंज में मैं इनको अंडा देने में पता नहीं क्या मौत आती है, ये दे दो, और ताजे ताजे हैं, ताजे ताजे उठा लो। चलो चलो, ये दो इसको इधर रखते। तो यार अभी इनको पानी भी डालने जाते हैं, बाहर से पानी लाते हैं, बकरियों ने पानी नहीं पिया, इनको कुछ ज्यादा ही प्यास लगी हुई होगी, तो इनके लिए भी लाते हैं पानी। तो यार तोतों को भी लूसन रखते हैं, इन दोनों को बाजा है, जमीन भी बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन ये कबूतर पता नहीं खा क्यों नहीं, सारे ऊपर गए हैं, देखा कुछ नीचे कुछ ऊपर, चुड़ियाएं भी आई हुई, तो इसको क्या हो गया, बाहुबली ये भी लग गया, गिर ना जाए। ओके इसके साथ सीन करता हूँ, अभी हवा से गिर ना जाए, किसी को लग ना जाए, इसे भी साइड पे रखते हैं। और बकरियों ने पानी पी लिया, मेरे ख्याल से पी लिया, कुछ ज़्यादा ही पी लिया। अच्छा रोटी भी है इसमें, हेलो खाओ 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 खाओ। तो यार शाम वापस से थोड़ा बहुत गंदा हो गया, इसको इंशाल्लाह रात को ठंडे टाइम में वापस से साफ करते हैं, अभी फिलहाल ये पानी इनको देते हैं। तो यार अब बस चलते हैं घर, क्योंकि घर वाले ने बोला था तुम्हारी मुर्गियों के लिए गंदे चावल रखें, तो गंदे समय मतलब जो थोड़े सड़ गए, तो वो इनके लिए लाते हैं, वो भी डालते हैं, सही है उसमें ज़्यादा ताकत होगी। ये चूजा माशाल्लाह है, अभी ओ उंगली लग गई, ये देख रहे हैं लग गई यहाँ, अभी ये देख रहे हैं, ये भी अपने नए पर निकालेगा, फिर ये भी नौजवान कहलाएगा। जैसे कि कौन सा हाल है, ये वो शीमेल कहाँ गई, कहाँ गई कहाँ गई, एक था कहाँ गई पता नहीं कहाँ गई, वो भी थी, ब्राउन कलर की मुर्गी नहीं थी, वही माशाल्लाह भी एक महीने की मार है, वो भी फिर बच्चे देगी, बच्चे जैसे कि ये अभी देख रहे थे, उम्मीद भी नहीं है, कोई बोलेगा ये क्रुक की नहीं, और ये बच्चे देने वाली है अभी, ये इसके दो शैतान। तो बस चलते हैं घर, घर से हो गया, तो भाई वापस से आ गए, सही है वापस से आने, माशाल्लाह अभी जहाँ जहाँ माँ जा रही है वहाँ वहाँ बेटा भी जा रहा है, सही है। ये लो भाई ये लो, यार वो नई वाली मुर्गी अभी तक यही है, तो चारपाई सुबह से यहाँ सेट करके गए थे, आप अभी वापस गिर गई, सही है। तो मैं आया इनका दाना डालने था, लेकिन अभी मैंने बड़े पहले थोड़ा अंदर आते हैं, मोर को देख रहे हैं कहाँ चढ़ा हुआ है, गलत हरकतें कर रहे हैं ना, फिर उसको कुछ बोलते हैं ना, फिर नाराज़ हो जाते हैं, देखें यहाँ से गैब ना हो जाए, बस गैब होने का खतरे। वाओ माशाल्लाह, इसको कर दो बंद, इसको बंद करते हैं, क्योंकि इसको बंद करने में जितना हमारा फ़ायदा है, उतने इसको खुला रखने में नुकसान है, क्यों अभी अक्सर या बकरियाँ कोई चीज़ को तंग करती हैं, फिर डर के मारे उठ जाती हैं। एक और चीज़ चेक करनी थी, अंडे तो सुबह ही मैंने उठा लिए थे, तो बस अभी इनका चारा लेने चलते हैं, सब इनका पेट ही भरता, पता नहीं कैसा गंदा गलीस पेट है इनका, भर ही नहीं है, तो बस और चारा लेके आते हैं इनके लिए, फिर आके मिलते हैं। यार वापस से आए, ये पकड़ में ही नहीं आ रहा, तो अभी वापस आए यार, आपके कई नई चीज़ दिखाते हैं कि हमारे खरगोशों ने एक दिया नया बच्चा, अगर वो जिंदा हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये भाई ये भाई ये देख रहे हैं माशाल्लाह है क्यूट, लेकिन ब्लैक आए थे, छोटे छोटे कान हैं, इसको यहीं पर बल रखते हैं, इसके दो दिए थे लेकिन एक इसमें से जो कि एक्सपायर हो गया, और एक अभी बच गया, ये भी अपने बच्चे के साथ है, यहाँ कोई नहीं है ना, यहाँ भी कोई नहीं है,
रुक, ये दो बच्चों के साथ एक मैं उसको लास्ट टाइम देखा, ये भी अपने दो बच्चों के साथ है। यार ये नई मुर्गी जो जंगल से आई है, इसका भागने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। मैं क्रोक मुर्गी को देखता हूँ वो कैसे हालात है। इसके पीछे मैं दरवाजा बंद करके, ये देखें इसके पीछे मैं दरवाजा बंद करके जाता हूँ, ये पता नहीं कौन खोल देता है। लास्ट टाइम भी आपने ब्लॉग में देखा होगा मैंने इसके पीछे दरवाजा बंद किया था, कबूतर को देखिए चेक कर। माशाल्लाह माशाल्लाह सारे टाइम से बैठे हो ना, कबूतर सारे यही है ना। या इन कबूतरों को एक नए केज में शिफ्ट करने, उस किसी ने मेरे को बताया था कि इसको नए केज में इसलिए शिफ्ट करो यहाँ ये लोग बच्चे नहीं देंगे, क्यों यहाँ तुम्हारी बकरियाँ आती जाती रहती हैं। ये देख रहे हैं हर कोई यहाँ से आता जाता घूमता घूमता रहता है, ये मुश्किल है कि यहाँ बच्चे करें और यहाँ तुम्हारे यहाँ भीड़ करें। बोले बाकी बोलता है बाकी क्या जी आगे तुम्हारी, तो उसकी बात मानता हूँ। और मैंने अभी कल सोचा है इस वाले सामने वाले केज में इनको शिफ्ट करूँगा और इंशाल्लाह ये काम लाजमी करूँगा। तो बस इस व्लॉग को भी इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब मस्त प्रेस करके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।